हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लाया हूं बायो के लिए। देखो एकदम जगह चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। यहां पर ये चैप्टर बहुत इजी है, शुरुआत 12 की आपकी इसी चैप्टर से हुई है और ये चैप्टर आपको एक शगुन लेके आएगा, बायो पेपर आपको अच्छा जाने वाला है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, खास स्पेशल शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। देखो यहां पर ये चैप्टर पहला इजी है, आप लोगों ने बहुत सारे स्टैंडर्ड में लोअर स्टैंडर्ड में रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, मगर आज हम लोग उस रिप्रोडक्शन टॉपिक को बहुत इजी सिंपल कर देते हैं। करेंगे सिंपल, देखो कैसे सिंपल करते हैं। तो हम लोग ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, ये जो फर्स्ट चैप्टर है। तो ये सिंपल डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन की, देखो रिप्रोडक्शन ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक से किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइफ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस है जिसमें न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस। देखो डेफिनेशन क्या लिखे, द प्रोसेस बाय विच न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस। बच्चे होते हैं ना यार, हाँ, तो ये न्यू प्रोसेस, आप भी बच्चे हो, पेरेंट्स के आपके, तो नाउ द प्रोसेस बाय विच न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस इधर असेक्सुअली और सेक्सुअली। बारिश का मौसम है तो आप लोगों ने असेक्सुअल मेथड भी देखा होगा, सेक्सुअल मेथड भी देखा होगा, बहुत सारे बर्ड्स है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, भागदौड़ चल रही है इसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, खुद का अस्तित्व बचाने के लिए। रिप्रोडक्शन क्या है, हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपना अस्तित्व बचाता है रिप्रोडक्शन से, नेक्स्ट जनरेशन में अपने अच्छे जो जेनेटिक कैरेक्टर से वो ट्रांसमिटेड करने की कोशिश करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस आइदर असेक्सुअली और सेक्सुअली, असेक्सुअली और सेक्सुअली। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितना है, इतना है देखो, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप, पहला कौन सा है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो असेक्सुअल पहला टाइप है, सेकंड वन इज द सेक्सुअल। तो हम लोग सेकंड स्लाइड पे जाते हैं, देखो वहां पे असेक्सुअल क्या है, असेक्सुअल मींस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इतना याद रखो, इसमें मियोसिस नहीं होता है बच्चों, इसमें होता है माइटोसिस, मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है, और विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इतना याद रखो, लिखना क्या आपको, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ओके। मियोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और यहां पर देखो ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, कितना अच्छा है ना, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, असेक्सुअल किस में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑफ द प्लांट में। देखो यहां पे माइटोसिस और जो भी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऐसे रहते हैं जेनेटिक क्लोन रहते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि सिंगल पैरेंट ही इन्वॉल्व रहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखो यहां पे इट टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व रहता है, ओके। माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है, क्योंकि गैमेट नहीं है तो मियोसिस नहीं होगा। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली ऑकर इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें होता है लोअर ग्रुप। तो इसके हम लोग एक एक टाइप देखते हैं। तो आप लोग देखो यहां पर फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, बारिश का मौसम है, बहुत सारे पॉन्ड्स अभी भरे हैं, आप लोगों ने देखा काई देखा होगा, मराठी में शेवा बोलते हैं, हिंदी में काई बोलते हैं, इंग्लिश में अलगी बोलते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने इसमें फ्रेगमेंटेशन, आप लोग उस बारिश में चलते गए, उस काई के पैर दिया, शेवा पाए दिला तुम्हें, दे आर ब्रोकन इन टू द मेनी पीसेस, जो भी पीसेस है मर नहीं जाता है, इट जनरेट इन टू द न्यू प्लांटलेट बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल, बट देखो लिखना क्या आपको, ये तो असेक्सुअल पता है, एग्जामिनर को बताने के लिए पहला लिखेगा, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक पॉइंट अपना फिक्स है। उसके बाद इट ऑकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसमें होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेनी सेल चाहिए ना, फिलामेंटस, इट ऑकर इन मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, आपके सामने मैंने एक छोटा सा डायग्राम निकाला है स्पायरोगायरा का। तो स्पायरोगायरा में आप लोग देख सकते हैं ये फिलामेंटस बॉडी है, मल्टी सेलुलर है, इसके टुकड़े हो गए, जितने भी टुकड़े हो गए ये इसके बच्चे हैं, एंड दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल,
होगा ना आइडेंटिकल, तो हम लोग थोड़े से असेक्सुअल के पॉइंट्स में डालेंगे. ऑल दे आर जेनेटिकल आइडेंटिकल, दीज आर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट ऑकर इन मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल स्पायरोगायरा. क्या है स्पायरोगायरा? बार बार आप लोगों ने एलगी जब स्टार्टिंग किया होगा तो आप लोगों ने स्पायरोगायरा नाम पहले पढ़ा होगा, तो ये स्पायरोगायरा में होता है. नाउ द नेक्स्ट वन, अभी हम लोग जाएंगे यहां पे बडिंग. नेक्स्ट क्या है? बडिंग. ओके मैं आपको छोटा सा स्क्रीन बना के बता, बडिंग दिख रहा है बच्चों आपको? इजी? अरे दिखना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा है मगर मार्क्स देके जाता है, तो कंसेप्ट तो क्लियर करना चाहिए आपका. बडिंग यहां पर देखो कुछ ईस्ट का डायग्राम दिख रहा है. ईस्ट, ईस्ट ये क्या है? आप लोग किसमें यूज करते? फर्मेंटेशन में, फर्मेंटल प्रोडक्ट में, बेकिंग में यूज करते ईस्ट को केक बनाने के लिए, कुछ फर्मेंटेशन के लिए. ये ईस्ट है, तो ईस्ट वेस्ट वाला ईस्ट नहीं है. दीज आर द वाई ई एस ए एस टी. ओके ईस्ट. सो व्हाट इज बडिंग? तो पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप. क्या सेंटेंस यूज किया? मोस्ट कॉमन टाइप. या देखो ये सेंटेंस लगता है इतना इजी, मोस्ट कॉमन टाइप हो गया इसे, मगर ये पूछेंगे एग्जाम में विच इज द कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? बडिंग. क्या आंसर आना चाहिए? बडिंग. सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन कैसे चाहिए? फेवरेबल. द स्मॉल आउटग्रोथ, ये दिख रहा है आपको, दीज आर द स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पैरेंट बॉडी. पैरेंट बॉडी के ऊपर ये स्मॉल आउटग्रोथ क्या हो रहा है? डेवलप. एंड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में क्या हो जाएंगे? All they are detached, all they are detached from their parent. Parents से सब detached होंगे. मैं तो कलर चेंज कर किया मैंने यहाँ पे. All they are detached from the parents and each one grow as a new individual. Each one grow as a new individual. ये क्या हुआ? Budding. Example, east. इसका spelling क्या आएगा? Y E A S T, east. Okay, ये याद रखो. तो हम लोग जाएंगे next one. Budding हो गया अपना, easy. समझ में आया बडिंग कितना इजी था? अभी हम लोग जाएंगे स्पोर्स फॉर्मेशन. तो स्पोर्स फॉर्मेशन इट इज ऑल्सो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. मैं मन में मौका नहीं छोड़ता हूं, जो पॉइंट्स आ सकता है हम मैं कवर कर लेता हूं, आपको भी वही करना है. तो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये क्या है? टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो नाउ इन स्पोर्स फॉर्मेशन द स्पोर्स आर मोटाइल, जू स्पोर्स फॉर्म बाय द एंडोजिनस. So in spore formation, the motile, motile means जिसको flagella है, आपको दिख रहा है यहां पर ऐसे flagella है, इसको motile बोलेंगे. जो मूव होने के लिए कुछ दे रहा है flagella, these are the motile. So spores formation, the motile zoospores are formed endogenously. Endogenous means inside the parent body. Parent body के अंदर develop हो रहे. At maturity, maturity हो गया. It detach, it break the parent wall. Parent wall को क्या करता है? Break. And all the spores are liberated out. सब spores क्या हो जाते हैं? Liberated. And they grow as a independent individuals. सब independent. अपना reproduction वापस continue करेंगे और अपने individual बढ़ाएंगे, अपनी जो population वो बढ़ाएंगे. So well, reproduction क्या है? अपना अस्तित्व के लिए एक channel है रखने के लिए. ओके, सो एट मैच्योरिटी इट ब्रेक द पैरेंट वॉल एंड ईच वन ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल. एग्जाम्पल क्या आएगा? क्लैमेडामोनास. ये आपको सामने अल्गी जो निकाली है जिसको मोटाइल दो फ्लैजेला है, ये क्लैमेडामोनास है, यूनिसेल्यूलर अल्गी है. यूनिसेल्यूलर देखो एक अल्गी में कितना अल्गी हो गया. तो दीज आर द स्पोर्स फॉर्मेशन. ये क्या है? क्या याद है आपको? स्पोर्स फॉर्मेशन. ओके नाउ द नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग बाइनरी फिशन. मैंने यहां पे एक भी वर्ड नहीं लिखा जानबूझ के, क्यों नहीं लिखा होगा? अरे बार बार मैं लिखते रहूंगा, आप लोग रीड करोगे, आपको भी लिखना है ना. तो क्या लिखोगे आप लोग नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन में? सो स्पोर फॉर्मेशन के बाद बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. बराबर, यस. देखो पॉइंट तो वही है, हम लोग असेक्सुअल पढ़े तो वो लिखा. सो इट इज असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन मोस्ट ऑफ द किसमें होता है मालूम है आपको? बैक्टीरिया में होता है, लोअर ग्रुप है. अमीबा में होता है,
इन बाइनरी फ्यूजन नाउ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इक्वली डिवाइडेड. ये न्यूक्लियस है बीच में. दिस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इक्वली डिवाइडेड एंड डेवलप अ टू डॉटर सेल. यहां पे क्या डेवलप हो रहा है? टू डॉटर सेल्स. दिस आर कॉल्ड द बाइनरी फ्यूजन. एग्जाम्पल अमीबा, एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया. सेकंड इज अ कोनिडिया. हम लोग कोनिडिया पे जाते हैं अभी. नेक्स्ट टाइप कोनिडिया. यहां पे आपको डायग्राम जो निकाली मैंने वो पेनिसिलिन की है. किसकी है? पेनिसिलियम. नाम सुना है पेनिसिलियम? अरे हाँ ना, क्या है पेनिसिलियम? एंटीबायोटिक्स. याद है पेनिसिलियम का एंटीबायोटिक्स आता है, वो इसी फंगस से बनाया जाता है. ओके, तो यहां पे देखो कोनिडिया. कोनिडिया आर द स्पोर्स फॉर्म एक्सोजेनसली. देखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. क्या लिखोगे? अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ द एक्सोस्पोर्स आर फॉर्म. एक्सोस्पोर्स मैंने क्या बोला यहां पे? एक्सोस्पोर्स. ओके, या उसको हम लोग बेटर वर्ड यूज करेंगे, एक्सोस्पोर नहीं यूज करेंगे. दिस आर द कोनिडिया. कोनिडिया आर फॉर्म एक्सोजिनसली. क्या यूज करेंगे? एक्सोजिनसली. बाहर आउटसाइड डेवलप हो रहा है ना, एंडोजिनसली अंदर है तो एक्सोजिनसली बाहर है. सो दिस कोनिडिया डेवलप एक्सोजिनसली एट मैच्योरिटी. देखो ये इमैच्योर है, नीचे इमैच्योर है, मतलब ऊपर जैसे जाओगे वो मैच्योर हो गया. दे आर लिबरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ईच वन ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल. तो ये हुआ आपका असेक्सुअल, जिसमें बाइनरी फ्यूजन कोनिडिया को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है. ओके, उसके बाद आएगा एक जेम्यूल फॉर्मेशन. क्या आएगा? जेम्यूल फॉर्मेशन. तो मैं यहां पे दिया नहीं मैंने, तो यहां मैं लिखता हूं जेम्यूल फॉर्मेशन. सो जेम्यूल फॉर्मेशन में याद रखो, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में भी पाया जाता है. इसमें पाया जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. यहां पे पढ़ाने के लिए यहां पे ध्यान दो, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में. ओके, स्पॉन्जेस किसमें आता है? फाइलम साइकॉन. साइकॉन आपने नाम सुना है? पहला ही फाइलम. फाइलम का एग्जांपल है साइकॉन. पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा. याद है आपको कुछ? यस, पोरिफेरा में जो एग्जांपल साइकॉन दिया है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में आता है. ओके, तो इसमें देखो जेम्यूल फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? द आर्चोसाइट्स आर गैदर टूगेदर. ये आपको सेकंड चैप्टर में है. द आर्चोसाइट्स आर गैदर टूगेदर, दे डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इट. ओके, दीज आर कॉल्ड एज जिम्यूल. तो उसको यहां पे माइक्रोपाइल रहता है. एट मैच्योरिटी ईच वन लिबरेटेड आउट एंड ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल. ये सेकंड चैप्टर में है, वहां पे कवर हो जाएगा. जिम्यूल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल याद रखो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. समझ में आपको? ये आपका हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या हो गया? असेक्सुअल. तो इजी था. असेक्सुअल में अभी और एक बाकी है. क्या बाकी रहेगा अपना असेक्सुअल में? यस, प्लान के बारे में. हम लोग लोअर ग्रुप देखा हम लोगों ने. सो असेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन. सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट. तो प्लांट में जाएंगे फर्स्ट टॉपिक जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, वेजिटेटिव प्रपोगेशन इन द प्लांट्स. प्लांट में प्रपोगेशन होता है ना, देखा होगा आप लोगों को वेजिटेटिव प्रपोगेशन. केले को दूसरा प्लांट कैसे आता है? सीड्स तो नहीं होती है उसकी, क्या होता है? अरे हाँ, केले के नीचे छोटा सा बच्चा आता है, दूसरा केले के पास प्लांट तैयार होता है. वो असेक्सुअल मेथड है. कौन सी मेथड है? असेक्सुअल. जिंजर देखा होगा, राइजोम, ट्यूबर देखा होगा आप लोगों ने, इवन रनर देखा होगा. All these are the asexual type of reproduction. तो हम लोग टाइप पे जाते हैं. देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट. पहला है नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सेकंड है आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कौन सा है पहला? नेचुरल. पहला कौन सा है? नेचुरल. ओके, सो नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टेम ट्यूबर. रीड किया आप लोगों ने 11 में? अरे यार अपना रे पोटैटो, बटाटो वड़े का वड़ा जो आता है उसको क्या बोलते हैं? बटाटा बोलते हैं मराठी में. क्या बोलेंगे? पोटैटो. सो नाउ इन स्टेम ट्यूबर
देखो यहाँ पे रेनी सीजन में तो स्पेशली होता है पोटैटो को, थोड़ा सा आई ऑफ पोटैटो आप लोगों को देखा होगा, आई ऑफ पोटैटो एडवेंटिशियस बर्ड इज डेवलप, ओके इसको एडवेंटिशियस बर्ड इज डेवलप एट द नोड एंड फ्रॉम दिस बर्ड वी कैन डेवलप अ न्यू प्लांटलेट। सो इसको स्टेम ट्यूबर में पोटैटो गया, ट्यूबरस रूट, या ट्यूबरस रूट में क्या आएगा, चकरकंद, जिसको मराठी में रताड़ा बोलते हैं हम लोग, ओके तो ये आप लोगों ने देखा होगा एडवेंटेशियस रूट, सिंगल एडवेंटेशियस रूट से क्या डेवलप होता है, प्लांटलेट डेवलप होता है ऐसे। सेकंड रनर, रनर में आप लोगों ने जो ग्रासेस देखा है, ग्राउंड में कभी खेलते हो कि नहीं, तो ग्रास भी नीचे देखो तो ग्रास थोड़ा सा खींच के ऊपर देखो, ऐसा पूरा नेटवर्क निकलेगा, ऑल दिस आर द रनर। तो रनर ये आप लोग 11 में पढ़ा है इसलिए मैं ऊपर ऊपर से जा रहा हूं। ऑफसेट जो इट इज अ ऑफसेट किसका एग्जाम्पल है, रनर का है मगर एक्वेटिक रनर का है, किसका है एक्वेटिक। आप लोगों ने पिस्टिया देखा होगा, पानी के ऊपर तैरता हुआ ऐसे पिस्टिया देखा होगा, इसको ऑफसेट बोलते हैं। यहां पे जॉइंट रेड में निकालता हूं, यहां पे देखो ध्यान दो, यहां पे इसको ऑफसेट बोलते हैं, इस पे छोटा सा इंडिविजुअल डेवलप होता है, सो दिस आर कॉल्ड द ऑफसेट। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल, अभी चलो ऑफसेट ये तो समझ में आया आपको। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यहां पर देखो फर्स्ट टाइप इज अ कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, दीज आर द थ्री मेथड्स, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, दीज आर द आर्टिफिशियल। देखो वापस देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट अचीव बाय द टू वेज, नेचुरल वेज एंड आर्टिफिशियल वे। पहला कौन सा है, नेचुरल वे में स्टेम ट्यूबर, ट्यूबरस रूट, रनर, ऑफसेट, और आर्टिफिशियल में कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। हम लोग जाते हैं अभी आर्टिफिशियल वे में कटिंग। बारिश का सीजन है, आपको पौधे लगाने क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के आप लोग स्टेम कट कर देते हो या रूट कट कर दे या लीव्स कट कर करते हो, कट इन टू द पीसेस एंड प्लेस इन टू द मॉइस्ट सॉइल। सो व्हाट इज कटिंग, इट इज अ सिंपल वेरी कन्वीनियंट मेथड, वेरी इकोनॉमिक मेथड। सो इन द कटिंग द स्मॉल प्लांट पार्ट्स, देखो कटिंग का शुरू कैसे करना है, कटिंग इट इज अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट, पहला पॉइंट हो गया। सिंपल वे यार, बायो बहुत इजी है, यहां से वह पॉइंट उठाया बस, प्रॉपर ट्रैक पे अपना पॉइंट्स चाहिए बस। सेकंड पॉइंट, इट इज अ वेरी सिंपल कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक मेथड। सो इन कटिंग द स्मॉल प्लांट पार्ट्स, आइदर दे आर स्टेम, रूट, लीव्स, दे आर प्लेस इन टू द मॉइस्ट सॉइल, प्लेस इन टू द मॉइस्ट सॉइल। तो यहां पे स्टेम में हिबिस्कस को देखो कट किया जाता है, रोज को, यहां पे मैंने शुगर केन का लगाया, तो कैसे कट करके मॉइस्ट प्लेस सॉइल में रखते हैं एंड ग्रो एज अ न्यू प्लांटलेट। रूट में एग्जाम्पल ब्लैकबेरी का है, ब्लैकबेरी का रूट यूज किया जाता है लगाने के लिए, ऐसा रूट पाया जाता है, ये रूट ऐसे निकला, रूट को कट किया, ये रूट को कट करके मॉइस्ट सॉइल में रख देने का, कुछ दिन के बाद यहां से क्या डेवलप होगा, प्लांटलेट्स ब्लैकबेरी का, ओके। नेक्स्ट वन इज लीव्स, ब्रायोफाइलम सेंसिविरा, ब्रायोफाइलम लोग पानफुटी बोलते हैं उसको, ओके ये ब्रायोफाइलम क्या है, एट द नॉच, एट द नॉच इट डेवलप इपीफाइलस प्लांट, इपी मीन्स ऊपर, फाइलस मीन्स प्लांट के, इपीफाइलस प्लांट, यहां पे एट मैच्योरिटी दे डिटैच, यहां पर गिर जाता है, नीचे गिर जाता है एंड ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। ये किसमें पाया जाता है, ब्रायोफाइलम, ओके सेंसिविरा में पाया जाता है, सेंसिविरा प्लांट ऐसा है छोटा सा है, उसके तो छोटे 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 प्लांट्स आते हैं ऐसे, आप लोग गमले में कभी लगाते तो सेंसिविरा बोलते उसको। तो ये हो गया आपका कटिंग, उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्राफ्टिंग। अभी बारिश का मौसम है मगर उसके पहले कौन सा सीजन था, यस गर्मी का सीजन, इतनी गर्मी थी, उमस था, मगर उस गर्मी में आपको सबसे सुकून मिलता था क्या खा के, मैंगो, यस। तो ग्राफ्टिंग की वजह से बहुत अच्छे क्वालिटी के मैंगो आपने खाए होंगे। तो ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग इज अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन द टू स्पेशीज बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, दो स्पेशीज में क्या जाता है, बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली,
ओके सो यहां पे देखो थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूं, मैं आपको दिखेगा। ग्राफ्टिंग पहला पॉइंट, इट इज अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन ग्राफ्टिंग टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, आपको यहां पे डायग्राम में दिखता होगा, टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ओके बिलोंगिंग टू द सेम स्पेशीज। सेम स्पेशीज का होता है या सब स्पेशीज, चिकू में सब स्पेशीज यूज किया जाता है, मैंगो में बिलोंगिंग टू द सेम स्पेशीज, इन अ जॉइन इन सच ए वे दैट दे ग्रो एज अ सिंगल प्लांटलेट्स। यहां पे क्या हुआ, ग्रो सिंगल प्लांटलेट्स ओके। एंड इन द ग्राफ्टिंग द रूटेड पार्ट, हम लोग यहां पे जो रूटेड पार्ट यूज कर देना, ये गमला होगा, चलो मान लिया गमला है, द रूटेड पार्ट इज यूज इज कॉल्ड एज अ स्टॉक। इसको क्या बोला जाता है, स्टॉक। इन ग्राफ्टिंग द रूटेड प्लांट, जिसके ऊपर हम लोग प्लांट इंसर्ट करना है, जो रूटेड पार्ट है उसको बोलेंगे स्टॉक। एंड द प्लांट पार्ट विच आर इंसर्टेड ऑन द स्टॉक दीज आर कॉल्ड एज अ सियोन। इसको क्या बोलते हैं, सियोन। वंस वन सेंटेंस के लिए आता है इजिली। एंड द सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग इज डिपेंड ऑन द यूनियन ऑफ कैम्बिया। इसके अंदर जो कैम्बिया है, इसका जब तक यूनियन नहीं होता है स्टॉक और सियोन का, तब तक सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग नहीं होता है। तो सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग इज ओनली डिपेंड ऑन द यूनियन ऑफ कैम्बिया। ये इतना ये वर्ड याद रखो, कैम्बिया ओके। उसके बाद हम लोग जाएंगे बर्ड ग्राफ्टिंग के लिए। ग्राफ्टिंग हो गया, समझ में इजी है एकदम। तो हम लोग जाएंगे बर्ड ग्राफ्टिंग के लिए। तो बर्ड ग्राफ्टिंग हम लोग किसमें किया जाता है, बर्ड ग्राफ्टिंग इज डन इन रोज एंड एप्पल। आपकी बुक में 1.3 का एक फिगर डायग्राम दिया है। देखो बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, जो प्लांट पार्ट्स हैं, एग्जांपल रोज लिया मैंने, ये रोज का प्लांट है, इसके ऊपर छोटा सा बर्ड डेवलप होता है, एक्सिलरी बर्ड, दे आर रिमूव विद देयर बार्क। बार्क के साथ उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, एंड इंसर्टेड ऑन द स्टॉक। स्टॉक के ऊपर इंसर्टेड किया जाता है, स्टॉक के ऊपर कट किया जाता है टी शेप का, उसको ओपन करके, इसको ओपन करके ये एडवेंटेशियस बर्ड अंदर डाला जाता है एंड टाई किया जाता है। इसको मतलब बडिंग, बडिंग इज अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, बडिंग इज अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग ओके। बट इन बडिंग अ सिंगल बर्ड, यहां पे क्या लिया हम लोगों ने, सिंगल बर्ड विद देयर बार्क, विद देयर बार्क कट एंड इंसर्टेड ऑन द स्टॉक, विद देयर बार्क कट एंड इंसर्टेड ऑन द स्टॉक। किसके ऊपर इंसर्टेड किया जाता है, स्टॉक के ऊपर ओके। तो ये आपका बर्ड ग्राफ्टिंग एग्जाम्पल क्या आएगा, रोज एंड एप्पल, रोज एंड एप्पल ओके। चलो नेक्स्ट चाहते हम लोग, लास्ट वन इज टिश्यू कल्चर। यहां पे टिश्यू कल्चर का मैंने डायग्राम लिया थोड़ा सा, देखो। सो टिश्यू कल्चर इट इज अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। इन टिश्यू कल्चर में द स्मॉल प्लांटलेट्स, उसको एक्सप्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। दिस एक्सप्लांट इट इज अ यूज यंग प्रीमोर्डिया, यंग लीव्स लिया जाता है, पॉलन ग्रेन भी लिया जाता है, आइदर टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ द रूट, दे आर यूज एज ए एक्सप्लांट। एंड दिस एक्सप्लांट प्लेस इन टू द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया, स्पेशली एमएस मीडिया यूज किया जाता है। विच मीडिया, एमएस मीडिया, बाद में आपको एक टॉपिक में है, चैप्टर में मुरा सिंह कुक मीडिया बोलते हैं। एंड ऑल द कंडीशन जो नेसेसरी है प्लांट ग्रोथ के लिए, दे आर ऑल दे आर मेंटेन। तो ये एक्सप्लांट अंडर स्टराइल कंडीशन, अंडर असेप्टिक कंडीशन, दे आर प्लेस इन टू द न्यूट्रिएंट मीडिया, ऑल द कंडीशन वेयर मेंटेन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब मेंटेन किया जाता है, न्यूट्रिएंट मेंटेन किया जाता है, फाइटो हार्मोन्स दिए जाते हैं, एंड दे आर डेवलप इन टू द कैलस। देखो यहां पे डायग्राम में दिया आपको, दिख रहा है यहां पे प्लांट से एक छोटा सा एक्सप्लांट निकाला, उसको किसमें डाल दिया, यहां पे देखो पेट्री प्लेट में रखा। छोटे छोटे प्लांट भी दिखते होंगे आपको, दे प्लेस इन टू द न्यूट्रिएंट मीडिया, तो नाउ दे फॉर्म्स अ कैलस। यहां पे आपको दिख रहा है सब कैलस है, छोटा छोटा प्लांट। एंड नाउ दिस कैलस आर रिमूव एंड इंसर्टेड और ट्रांसमिटेड इन टू अनदर फ्लास्क विच कंटेन न्यूट्रिएंट मीडिया, which contain phyto hormones and develop a single plantlets।
सो इट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सबसे क्विक फास्टेस्ट मेथड है, कॉमर्शियली इट इज बेनिफिशियल. आप लोग देख सकते हैं प्लांट लिया फटाफट विदाउट सीड वी कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट लीड्स बिकॉज टिश्यू कल्चर टेक्निक बेस है टोटिपोटेंसी कैरेक्टर जो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है. विच कैरेक्टर? टोटिपोटेंसी कैरेक्टर. याद हो टोटिपोटेंसी वर्ड? कौन सा मीडिया यूज किया? एमएस मीडिया. ओके, क्या यूज किया था हम लोगों ने? प्लांट पार्ट एक्सप्लांट, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट. और फाइटोहार्मोन्स में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दे आर वर्क. ओके, ऑक्सिन की वजह से रूट आता है, साइटोकाइनिन की वजह से शूट आता है. तो दिस आर द टिश्यू कल्चर, दिस आर द टिश्यू कल्चर. तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्या हो गया ये? फिनिश, समझ में आपको? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक और डिटेल में लेके जाते हैं हम लोग. फ्लावर सामने पीछे के मस्त एकदम, मैंने खूबसूरत फ्लावर निकाला है. अच्छा लग रहा है आपको? आपको निकालने आएगा? अरे श्योर शॉर्ट निकालने आएगा. देखो कितना गहराई से मैंने निकाला है फ्लावर. सो फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड कंडेंस शूट स्पेशली मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए मैंने फ्लावर के डायग्राम दिए. स्पेशली डेवलप फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो यहां पे क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग टिपिकल फ्लावर के पार्ट देखेंगे. सो टिपिकल फ्लावर एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेन टू वॉल्स, एक्सेसरी वॉल एंड एसेंशियल वॉल. एक्सेसरी वॉल कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स, आपको दिख रहा है पहला ये, दिस आर द कैलिक्स. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सो एक्सेसरी वॉल्स आर कैलिक्स एंड करोला. सो कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेपल्स, करोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स. करोला में क्या प्रेजेंट है? पेटल्स. ओके, दे बोथ आर एक्सेसरी वॉल. एक्सेसरी वॉल्स क्या है? एक्सेसरी. ओके, उसकी जरूरत है रिप्रोडक्शन में, इसलिए एक्सेसरी. बट आर नॉट एसेंशियल. एसेंशियल वॉल कौन से? एसेंशियल वॉल्स आर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं. ये स्टेमन दिख रहा है आपको? ये स्टेमन. सो स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. ये डायग्राम याद रखो. आप लोग कोई भी पॉलिंग्रीन लोगे, ऐसे पॉलिंग्रीन नहीं स्टेमन लोगे, तो देखो आप लोग येलो कलर का ऊपर रहेगा, कनेक्टिव फिलामेंट रहेगा. सो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन. स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. एंड ओनली एंथर इज अ फर्टाइल पार्ट, प्रोड्यूस नंबर ऑफ पॉलिंग्रीन्स या माइक्रोस्पोर्स. वाइल गाइनोशियम, गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पल. कार्पल को पिस्टल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पिस्टल. इट इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी इज अ ओनली फर्टाइल पार्ट. ओवरी क्या है? ओनली फर्टाइल पार्ट. तो हम लोग ये टिपिकल स्ट्रक्चर फ्लावर की दुनिया में गए हम लोग, और इस दुनिया में हम लोगों ने इस फ्लावर को डिसेक्टिंग किया है आपके सामने. ये दिख रहा है आपको ऐसे? ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में? छोटे छोटे लगता है मगर ये मास देखे जाता है और ये बेसिक भी क्लियर करता है आपका. तो एक्सेसरी वॉल और एसेंशियल वॉल हुए. तो बच्चों ध्यान दो यहां पे. नेक्स्ट जाते हैं हम लोग एंड्रोशियम. तो इट रिप्रेजेंटेड एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल. एंड्रोशियम इट रिप्रेजेंटेड एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन. इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टेमन. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन. सो नाउ दिस स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट्स. ओके, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट्स. तो एंथर इज ओनली फर्टाइल पार्ट विच प्रोड्यूस नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स. वापस रिपीट किया. अभी हम लोग एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट. ओके, तो यहां पर देखो पॉलन सैक डेवलपमेंट भी दिया मैंने. तो हम लोग पहला इस डायग्राम पे जाएंगे. टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर. एंथर इज द फर्स्ट इनिशियल सेल. एंथर क्या है? फर्स्ट इनिशियल सेल, इनिशियल सेल. ओके, तो यहां पर देखो नाउ दिस एंथर. एंथर इज कंपोज ऑफ टू लेयर्स, एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंशिया. इसमें दो है, क्या है? एंथर एंड, बड़ा डायग्राम कर देता हूं मैं, समझ में आएगा. एंथर वॉल, एंथर, डीएस ऑफ एंथर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
पीएस ऑफ एंथर, ओके, टीएस ऑफ एंथर. सो टीएस ऑफ एंथर शोज एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंशिया, एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंशिया. तो पहले देखो एंथर वॉल, एंथर वॉल इज कंपोज ऑफ फोर लेयर, इपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड यहां पे जो छुपा है वो क्या है, टैपेटम. क्या है, टैपेटम. सो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स. पहला लेयर दिख रहा है आपको, ये लेयर इपिडर्मिस, ये ब्लू में दिख रहा है आपको एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर येलो में दिख रहा है और लास्ट ये रेड में दिख रहा है, दिस आर द टैपेटम. सो इपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर. क्या है, आउटर मोस्ट, जो दिख रहा है डायग्राम में वही एक्सप्लेनेशन है अपना, इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर, ओके, कंपोज ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल. सेकंड कौन सी है, एंडोथीशियम. सेकंड कौन सा है, एंडोथीशियम. सो एंडोथीशियम इज अ सेकंड एंथर वॉल लेयर, ओके, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबरस थिकनिंग ऑफ कैलस. याद रखो एंडोथीशियम सेकंड एंथर वॉल लेयर, ये पॉइंट डाल देने का. उसके बाद उसका कैरेक्टर लिखो, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबरस थिकनिंग ऑफ कैलस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इट इज अ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर पूछा जाएगा वन सेंटेंस के लिए, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोथीशियम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबरस थिकनिंग ऑफ कैलोस. कैलोस क्या है, सेलुलोज है, सेलुलोजिक टाइप है, ओके. सो सेलुलोज है तो सेलुलोज क्या रहता है, इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. सेलुलोज वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, सो इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड हेल्प इन अ डिहाइसिस. डिहाइसिस मीन मैच्योर के बाद पॉलन ग्रेन से टूट जाता है. आपको डायग्राम दिखा दो नेक्स्ट इसमें, ओके, डिहाइसिस में यहां पर देखो ये दिख रहा है डिहाइसिस, डिहाइसिस एंथर. सो दिस एंडोथीशियम, देखो ब्लू कलर में एंडोथीशियम निकाला है, क्या होता है, एट मैच्योरिटी इट अंडरगोज डिहाइसिस एंड लिबरेटेड पॉलन ग्रेन. आपको रेड कलर में सब बाहर निकला है, ये सब दिस ऑल दिस आर द पॉलन ग्रेन, ओके. तो एंडोथीशियम समझ में आपको, अभी चलो अपने स्लाइड पे आते वापस, एंडोथीशियम हो गया. थर्ड मिडल लेयर पे येलो दिख रहा है आपको, इट इज टू टू थ्री लेयर्स, टू टू थ्री लेयर्स मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल. किससे बनाई है, पैरेन्काइमेटस सेल, एंड इट डीजनरेट एट मैच्योरिटी. मैच्योरिटी में डीजनरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, लास्ट वन टैपेटम, बीच में दिख रहा है आपको, ये दिस आर द टैपेटम, ये लेयर टैपेटम, जानबूझ के डायग्राम में ऊपर कर दी, सिर्फ इस पर फोकस करो टैपेटम. तो इज इनर मोस्ट एंथर वॉल लेयर, इनर मोस्ट, क्या बोला मैंने, इनर मोस्ट एंथर वॉल लेयर. सो नाउ दिस टैपेटम सराउंडेड बाय द पॉलेंस, किसको, इट इज सराउंडेड टू द पॉलेंस सैक. ये किसको सराउंडेड करता है, पॉलेंस सैक को. ये बीच में क्या है, पॉलेंस सैक, इट इज सराउंडेड टू द पॉलेंस सैक. दिस सेल, टैपेटम सेल कैसा है, इट इज अ ऐसे सेल, देखो ऐसे सेल है, दिस आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस नहीं है, इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड विद डेंस साइटोप्लाज्म. इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस, डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस, इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म, ओके, डेंस साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है. इसका फंक्शन पता है आपको, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन ऑफ एक्साइन. पॉलिन ग्रेन दो लेयर से बनी रहती है, एक्साइन एंड इनर इंटाइन. एक्साइन किसे बनाया, स्पोरोपोलेनिन. तो स्पोरोपोलेनिन बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, टैपेटम भाई, क्या करता है, टैपेटम हेल्प करता है. तो यहां पर देखो मेन फंक्शन क्या है टैपेटम का. सो टैपेटम इज अ इनर मोस्ट एंथर वॉल लेयर, इट सराउंडेड टू द, किसको सराउंडेड है, अंदर क्या है, पॉलन सैक है, यस, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दो उसको, ओके. सो इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, मेनी न्यूक्लियस है विद डेंस साइटोप्लाज्म, इट हेल्प इन अ कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन ऑफ एक्साइन. पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन से बना है, तो वो कंट्रीब्यूशन कौन करता है, टैपेटम. ये तो हो गया भाई अपना, क्या हो गया, ये एंथर वॉल, क्या कंप्लीट किया हम लोगों ने, एंथर वॉल, टेस ऑफ एंथर वॉल. अभी हम लोग जाएंगे अंदर पॉलन सैक, जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंशिया, ओके, डिहाइसिस का है, माइक्रोस्पोरेंशिया. सो नाउ दिस माइक्रोस्पोरेंशिया इन इमैच्योर स्टेज, इमैच्योर स्टेज में
इट कंटेन नंबर ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू. क्या प्रेजेंट इसमें? इमेच्योर स्टेज में स्पोरोजेनस टिश्यू. स्पोरोजेनस टिश्यू डायरेक्टली एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म टेट्रा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. एंड फ्रॉम ईच टेट्राड फोर यूनिन्यूक्लियेट यूनिसेल्युलर माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म. ईच माइक्रोस्पोर जो यूनिन्यूक्लियेट यूनिसेल्युलर है अंडरगोज अनइक्वल माइटोसिस टू फॉर्म लार्जर वेजिटेटिव न्यूक्लियाई स्मॉलर जनरेटिव सेल. तो दिस टू सेल स्टेज रेडी फॉर डिहाइसिस. तो यहां पर देखो हम लोग जा रहे हैं अंदर माइक्रोस्पोरेंशिया. ओके माइक्रोस्पोरेंशिया में क्या लिखेंगे हम लोग पॉलिन सैक में? इन इमैच्योर स्टेज ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू. दिस स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म टेट्राड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. क्या फॉर्म कर रहा है? देखो डायग्राम दिख रहा है आपको सामने यार. क्या तुम लोग डायग्राम देखो ना अच्छी तरह से. सो स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस. क्या हो रहा है? मियोसिस. ओके क्या फॉर्म कर रहा है? टेट्राड. टेट्राड प्रोसेस को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. टेट्राड में एक टेट्राड से कितने पॉलिन माइक्रोस्पोर्स हुए? फोर. ऑल आर देयर यूनिन्यूक्लियेट. ईच वन अंडरगोस अनइक्वल माइटोसिस टू फॉर्म टू सेल स्टेज पॉलिन ग्रेन लार्जर वेजिटेटिव न्यूक्लियस स्मॉलर जनरेटिव सेल. तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पॉलिन ग्रेन लिबरेटेड होते हैं वो टू सेल स्टेज रहते हैं. क्या रहते हैं? टू सेल स्टेज. तो ये हो गया आपका पॉलिन सैक. तो अभी हम लोगों ने ये पॉलिन सैक देखा तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. तो डेवलपमेंट देखो अभी स्ट्रक्चर उसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन देखते हैं. बार बार पॉलिन ग्रेन बोल रहा हो. क्या स्ट्रक्चर है यार देखते ना हम लोग इतना माइक्रोस्कोपिक. तो इस पॉलिन ग्रेन इज इनिशियल सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. पहला पॉइंट आएगा इट इज इनिशियल सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ओके नाउ इट कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्साइन. आउटर लेयर कौन सी? एक्साइन. एंड इनर इंटाइन. इट कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन टुगेदरली कॉल्ड एज अ स्पोरोडम. टुगेदरली कॉल्ड एज अ स्पोरोडम. आपको आएगा यार क्वेश्चन व्हाट इज स्पोरोडम? पॉलिन ग्रेन इज कंपोज ऑफ टू लेयर आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन टुगेदर कॉल्ड एज अ स्पोरोडम. अभी एक्साइन पे जाते हैं. एक्साइन इज अ स्पाइनी और एक्साइन इज अ थिक वॉल. ये पहली जो लेयर है व्हाइट में इट इज अ थिक वॉल. कैसी है? थिक वॉल. बाहर की कवरिंग है थिक वॉल ही रहनी चाहिए. यस सो इट इज अ थिक वॉल आइदर स्पाइनी रफ और स्मूथ. स्पाइनी रफ किस में रहता है मालूम है आपको? जिसका बर्ड पॉलिनेशन है और इंसेक्ट पॉलिनेशन है उसमें स्पाइनी और रफ रहेगा. बट इन विंड पॉलिनेशन इज ऑलवेज स्मूथ. इट इज इंटरप्टेड एट मेनी प्लेस कॉल्ड एज अ जंपोर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जंपोर. लेबलिंग किया यहाँ पे जंपोर. तो आपको ये दिखेगा ऐसा पॉलिन ग्रेन इसके ऊपर छोटे 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 दाने जैसे ये दिखे. दिस आर द जंपोर्स. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जंपोर्स. ओके नाउ इट इज कंपोज ऑफ स्पोर. किससे कंपोज है? स्पोरोपोलेनिन. जो आपने टेपेडम देखा ना टेपेडम हेल्प इन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन. सो दिस स्पोरोपोलेनिन प्रोवाइड बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डीकम्पोजिशन. इसलिए पॉलिन ग्रेन एयर में जो रहते ना बहुत सालों तक वाइबल वाइबल मीन जर्मिनेशन कैपेसिटी उसकी बची रहती है. डेट्स खजूर उसका पॉलिन ग्रेन कितने साल तक रहता मालूम है एयर में? बहुत साल तक रहता मगर 7 साल तक वो वाइबल कंडीशन में पाया जाता है. आज निकला 7 साल के बाद वो जर्मिनेशन की कैपेसिटी रखता है. क्यों? क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो बायोलॉजिकल और फिजिकल डिकम्पोजिशन से पॉलिन ग्रेन को बचाता है. ओके समझ में आपको? अरे समझ में इजी है ज्यादा दिमाग खाने में रखो और टेक्स्ट बुक में देखते चलो. जब पढ़ा रहा हूं वो टेक्स्ट बुक में फॉलो करो तब इजी जाएगा. समझ में है ना? चलो यहां से हम लोग जाएंगे अभी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. सो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑकर एट टू स्टेज बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन. एक ही डायग्राम में आपको सबके समझा देता हूं. एक ही डायग्राम यही डायग्राम इंपॉर्टेंट इतना याद रखो. बिफोर पॉलिनेशन इन द पॉलिन सैक क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजेनिक टिश्यू. मल्टीप्लाई डायग्राम करता हूं रुको एक मिनट. सो बिफोर पॉलिनेशन याद है डायग्राम बिफोर पॉलिनेशन है. ओके सो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट
ऑकर एट टू स्टेट, बिफोर पॉलिनेशन इन द पॉलन सैक, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा, पहले बिफोर पॉलिनेशन इन द पॉलन सैक, बिफोर पॉलिनेशन इन द पॉलन सैक देयर इज अ स्पोरोजेनिक टिश्यूज आर प्रेजेंट. दिस स्पोरोजेनिक टिश्यू एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर. अभी हम लोग पहले भी पढ़ा हम लोगों ने, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म टेट्राड हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स, द प्रोसेस कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, फ्रॉम ईच टेट्राड फोर माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म, ऑल दे आर यूनिन्यूक्लियेट यूनिसेल्युलर. दे अंडरगोस अनइक्वल माइटोसिस टू फॉर्म लार्जर वेजिटेटिव न्यूक्लियस, स्मॉलर जनरेटिव सेल. So these two cell stage ready for the dehiscence. It occur before pollination in the pollen sac. याद है? अरे पहले भी पढ़ा है ना आपको? वही है. Pollen TS of anther में पढ़ा है, वही है. अभी हम लोग देखते हैं after pollination. चलो आ जाओ. After pollination. यहां से diagram देखता हूं मैं. After pollination. ओके, ऑन द स्टिग्मा द टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा. कहां पे डिपॉजिट हो गया? डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, डिपॉजिट ऑन स्टिग्मा पे. ओनली सेल कॉम्पेटिबल, यहां पे वर्ड लिखा है सेल कॉम्पेटिबल. आपके घर में आपको ही परमिशन मिलता है, दूसरे को मिलेगा क्या? नहीं ना. वही सही, सेल कॉम्पेटिबल मीन्स उसी स्पेशीज का पॉलन ग्रेन अलाउ होता है जर्मिनेशन के लिए, दूसरा अलाउ नहीं होता है, उसको सेल्फ कॉम्पैक्टेबल बोलते हैं. सो नाउ टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा, ओनली सेल्फ कॉम्पैक्टेबल. देखो वापस देखो, रिपीट करता हूं. आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा, आफ्टर शुरुआत कैसे करोगे? आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन. क्या बताया मैंने? आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा. पॉलन ग्रेन कहां पर डिपॉजिट हुआ? स्टिग्मा के ऊपर, जो टू सेल स्टेज है. टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, ऑन द स्टिग्मा ओनली सेल्फ कॉम्पैक्टेबल पॉलन ग्रेन अलाउ फॉर जर्मिनेशन. इसके लिए अलाउ किया जाता है जर्मिनेशन. ओके, सो नाउ दिस पॉलन ग्रेन एब्सॉर्ब शुगरी सब्सटेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा एंड फ्रॉम द जम्पोर द पॉलन ट्यूब इज इमर्ज आउट. पॉलन ट्यूब कैसे हो जाती है? इमर्ज आउट. दिस पॉलन ट्यूब कैरी जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल. वेन दिस पॉलन ट्यूब रीचेस टूवर्ड्स द ओवरी, ओवरी की तरफ पहुंच जाती है, ये जनरेटिव सेल क्या हो जाता है? डिवाइड होता है माइटोटिकली, मगर वेजिटेटिव सेल गायब हो जाता है, गायब है, डीजनरेट. सो वेजिटेटिव सेल डीजनरेट एंड जनरेटिव सेल अंडरगोस माइटोसिस डिविजन to form two haploid male gamete, two haploid male gamete. तो आपको पूछेंगे how many mitosis occur in the development of male gametophyte? दो बार, meiosis एक बार. तो आपको कभी भी number भी पूछा जाता है, how many pollen grains are formed from the microspores? कितने microspores दे उससे pollen grain कितने form होते? तो ये calculation है, तो calculation पूरी diagram में भी है. Easily देखो एक cell से क्या बना वहाँ पे? दो न्यूक्लियेट माइटोसिस कितना हुआ? तो ये डायग्राम हम लोग ऐसे देखते हैं, कितने बार माइटोसिस हो रहा है? दो बार. देखो यहां पे हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, यहां पे अनइक्वल हो रहा है मगर हो रहा है, यहां पे हो रहा है. मियोसिस कितने बार? एक ही बार हो रहा है. तो ये वो आपका डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन. तो यहां पर वापस एक बार फास्ट फॉरवर्ड जाता हूं. बिफोर पॉलिनेशन इन द पॉलन सैक देयर इज अ नंबर ऑफ स्पोरोजेनिक टिश्यूज आर प्रेजेंट. This porogenic tissue act as a microspore mother cell. Microspore mother cell undergoes meiosis to form tetrad haploid microspore. The process is called the microsporogenesis. From each tetrad, four haploid uninucleate unicellular microspores are formed. Okay. Each microspore undergoes unequal mitosis. Pehla mitosis hua to form larger vegetative cell, smaller generative cell. And now these two cell stage ready for dehiscence. Ye ho before pollination. In after pollination, the two cell stage pollen grain after successful pollination deposited on the stigma. Only self-compactable pollen grain allow for germination. So pollen grain absorb sugary substance from the surface of the stigma. As a result, pollen tubes emerge out which carry generative cell, vegetative nuclei along with the pollen cytoplasm. Okay, when this pollen tube reaches towards the, kahan pe pahunch gayi? Reaches towards the ovary.
और ओरिजिनल तरफ आ गई, देन दी जनरेटिव सेल्स आर डीजनरेट, जनरेटिव सेल क्या हो जाता है डीजनरेट, एंड वेजिटेटिव, ये जो जनरेट सॉरी वेजिटेटिव न्यूक्लियर में गलत बोला, वेजिटेटिव न्यूक्लियर डीजनरेट हो जाता है, एंड जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म टू हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, दिस मेल गैमेट रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, ये वो आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो मैंने इस सेशन में इतना ही लिया मेल गैमेटोफाइट, हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट पे, ओके तो ये हुआ आपका मेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट का हम लोग अलग अलग सेक्शन में लेंगे, क्या दिमाग, क्या बोलते हैं हम लोग, दिमाग पे इतना ज्यादा जोर नहीं, कीरी है तो समझ में आएगा आपको, मेल गैमेटोफाइट इजिली दिमाग में गया, बस इतना ही काफी है, ज्यादा खाओगे तो हजम भी नहीं होगा, है कि नहीं? सही बात है सर। ओके, प्रदीप सर ने भी बोला है ना, स्टडी स्मार्ट तरीके से करो, कैसे तरीके से करो, स्मार्ट। तो ये आपका स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको विजुअल वीडियो भेजा है, और आपको सबसे पढ़ाई अच्छी किससे करनी है, टेक्स्ट बुक वीडियो और गिरी ट्यूटोरियल से। जो आज के लिए इतना काफी है, बाय, शबा खैर, बाय।